इस्लामाबाद आमा से मुतालिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, साइलिन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर जमा। साइलिन की चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी, वकीलों की भी बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। जैनब के कातिल को सरेआम फांसी दो, मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कानून में सरेआम फांसी देने की गुंजाइश मौजूद है, दरख्वास्त गुजार। अरबों के कर्जे अगर सही तरीके से खर्च होते तो मुल्क की ये हालत ना होती। आवाम की तवक्कोआत को हर कीमत पर पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जवेरिया जफर आहिद की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, लाहौर की दो कौमी और दो सूबाई असेंबलियों के लिए वोट कल डाले जाएंगे। 11,75,832 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाक फौज की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की तरसील। इलेक्शन कमीशन ने NA 131 के 4 पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए। NA 131 में ख्वाजा साद रफीक और हमायूं अख्तर के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहियुद्दीन देवान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सूबाई हलकों में सुहेल शौकत भट्ट, यूसुफ अली, सैफुल मलूक और मंशा सिंधु मध्य मुकाबल। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की जमानत में तौसी। सेशन कोर्ट ने पुलिस को आबिद बॉक्सर को 17 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुलजिम आबिद बॉक्सर के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हैं। और FMC इंटरनेशनल मैन स्क्वाश चैंपियनशिप 2018 फाइनल का टाइटल मिस्र के यूसुफ सलेमान ने जीत लिया। चैंपियनशिप के फाइनल मार्के के लिए 18 बरस बाद लाहौर में ग्लास कोर्ट लगाया गया।